बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हम एंड किचन व्लॉग। आज मैं आप लोगों को शीर खुरमा की रेसिपी बता रही हूँ। वैसे तो मेरे घर में एक दावत थी तो उसमें मैंने शीर खुरमा बनाया। मौसम तो नहीं है, यानी ईद उल फितर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को रेसिपी ज़रूर देनी चाहिए। इसके लिए ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके घर में अवेलेबल आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने दूध 1.5 किलो लिया है। इसमें मैंने 4 बड़े चमचे, टेबल स्पून से जो बड़ा स्पून होता है वो 4 बड़े स्पून मैंने लेके चीनी के डाले हैं, और दूध को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। और उसके बाद जो है हम इसमें किशमिश और पिसा हुआ जो होती है पिसी हुई सब्ज़ इलायची, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और दूध को बॉईल होने देंगे ताकि दूध अच्छी तरह से बॉईल भी हो जाए और इसके अंदर जो मैंने शुगर ऐड करी है वो भी मिक्स हो जाए। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स में आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, मतलब ले सकते हैं ड्राई फ्रूट। मैंने जो है वो अखरोट, काजू, पिस्ते और मूंगफली ली है। इसको ड्राई रोस्ट करेंगे पहले हम, और फिर इसको ज़रा मोटा मोटा पीस लेंगे। और खजूर जो थे उनको मैंने सर्कल शेप में काट के उसको ऑयल में फ्राई करके वो भी दूध में ऐड कर दिया। अच्छा, बटर में बना रही हूँ अपना शीर खुरमा। पहले हम थोड़ा सा बटर लेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि बटर जो है वो जले नहीं। और इसमें फिर हम ऐड करेंगे अपनी सवैया। आधा पैकेट मैंने सवैयों का लिया है, जिसको मैंने चूरा बना लिया, मतलब छोटा कर लिया साइज में, वो फिर हम इसमें ऐड करेंगे सवैयों को। और फिर सवैयों को थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर दे के शीर खुरमा में ऐड कर देंगे। बहुत ही यमियस शीर बनेगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम इसको 10-15 मिनट पकाएंगे सवैया ऐड करने के बाद। रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।